अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ब्रो, टैग तो बिल्कुल हल्के में नहीं आ रहा। मतलब अगर आप 20,000 और 30,000 के प्राइस टैग लेकर निकलेंगे मार्केट में, तो टेक्नो ऐसा ब्रांड है जो आपको ऐसी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है जो आप जुटला नहीं सकते, मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते। टेक्नो के फोन्स आपकी अट्रैक्शन ले ही लेंगे। पिछले दिनों हमें टेक्नो स्पार्क 6 देखने को मिला, जो कि 20,000 की प्राइस टैग में आपको क्या कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा था। एक बड़ा डिस्प्ले, 4:64 का कॉम्बिनेशन, एक अच्छा प्रोसेसर और बिल्कुल बकवास सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। पर्सनली स्पीकिंग, मुझे टेक्नो की सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है किसी थर्ड क्लास प्ले स्टोर से एप्लीकेशन कोई डाउनलोड कर ली गई है और वो थीम लगती है मुझे टेक्नो की सॉफ्टवेयर की। एंड ओवरऑल बाकी हर चीज में टेक्नो कमाल स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। पिछले महीने हमने टेक्नो पेवेयर की सीरीज देखी थी, जिससे ये साबित होता है कि टेक्नो कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करने की सोच रहा है अपने कंज्यूमर को, और इसमें कामयाब होता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है। बट नाउ ऑनवर्ड्स टेक्नो इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है अपना एक और न्यू फोन, जो कि कंफर्म हो चुका है, जिसका नाम है टेक्नो पोवा। बेसिकली ये फोन 30,000 से 35,000 के प्राइस टैग को तोड़ने वाला है। कंफर्म न्यूज के मुताबिक इसमें आपको मिलेगी 6 GB की रैम, 6.8 इंच का डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो G80 का प्रोसेसर, क्वाड कैमरा सेटअप जिसमें आपको पीछे मेन कैमरा देखने को मिलेगा 13 MP का, 8 MP का फ्रंट कैमरा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड होल न्यू बॉडी, प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक बॉडी एंड ऑल न्यू कलर्स। इस फोन के डिजाइन को देख के और लुक को देख के ये रियलाइज होता है कि वावे की RS पोर्शे सीरीज की तरह थोड़ा मैच करता है, और मेरे हिसाब से काफी हद तक उसे कॉपी करने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो एक फ्लैगशिप डिवाइस है। लिस्ट के मुताबिक आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी 720p LCD डिस्प्ले, लेकिन मेरे हिसाब से ये 720p नहीं होने वाला। टेक्नो इसको 1080p शिफ्ट करेगा, क्योंकि इसकी प्राइसिंग जो है 30,000 से 35,000 रुपए बताई जा रही है, और जिस तरह टेक्नो अपनी मार्केट बना रहा है टेक्नो स्पार्क 6 को लॉन्च करके, मेरे हिसाब 1080p स्क्रीन होने वाली है, जिसमें आपको पंच होल कैमरा मिलेगा, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलेगा, 6000 mAh की बैटरी मिलेगी और 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। अब जितनी भी मैंने आपको डिटेल बताई, एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है 30,000 से 35,000 के प्राइस टैग में, जो कि मेरे ख्याल से कोई ब्रांड ऐसी चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको। मतलब यहाँ पे स्क्रीन साइज भी बड़ा है, बैटरी बहुत बड़ी लगा दी गई है, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले होने वाला है, 6 GB की रैम देखने को मिल गई है, 128 GB की रोम और मीडियाटेक हीलियो G80 का प्रोसेसर मिल रहा है, जिसके मार्केट में लॉन्च हो जाने के बाद ये फोन लोगों के लिए इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। बट फाइनली टेक्नो से हर यूट्यूबर ये रिक्वेस्ट करते हैं, और मैं भी ये करना चाहूंगा, अपने जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है इसको थोड़ा बेहतर कर ले। लगता है किसी गूगल प्ले स्टोर से कोई थीम डाउनलोड कर ली है एंड आप वो रन कर रहे हैं, इसमें बग्स भी आते हैं, इसमें सामने एड्स भी काफी ज्यादा पॉपअप हो जाते हैं। आप लोग सही जा रहे हैं, बट इस चीज में काम कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कंज्यूमर के लिए। तो ये थे कुछ कंफर्म लीक, और यही उम्मीद है कि आगे जाके यही लीक्स हमें इस फोन में देखने को मिलेंगे। जब ये फोन आएगा तभी इसका हैंड्स ऑन रिव्यू करेंगे एंड देखेंगे ओवरऑल ये आपको कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है इस प्राइस टैग के हिसाब से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना कोई भी क्वेश्चन हो या आप अपनी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं या टेक्नो पोवा के बारे में आपका क्या थॉट्स है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई पर्सनल सजेशन लेना चाहते हैं फोन के हवाले से तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।